तो हेलो गाइज, मेरा नाम वैभव और आप देख रहे हैं मेरे चैनल सोलो वैभव को। आज निमोना मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, तो चुड़बुड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहानी की बात करें तो इसमें हमको एक नाइट सुप्रीम दिखाया जाता है जिसको अपने ही राज की रानी को मारने के चक्कर में फंसा दिया जाता है, जिसके बाद वो जो नाइट रहता है वो कैसे अपने आप को बेकसूर साबित करता है और उसके साथ जो लड़की रहती है निमोना उसका क्या सीक्रेट है ना, ये सब चीज जानने के लिए आपको इस मूवी को पूरा देखना पड़ेगा। ये एक एनिमेटेड फैंटेसी मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है, वो भी हिंदी डब के साथ। इसकी जो एनिमेशन क्वालिटी है ना काफी ज्यादा डिफरेंट है और इसमें कुछ तुमको यूनिक तरह के स्टाइल के एनिमेशन देखने को मिलेंगे जो देखते हुए काफी अच्छे लगते हैं। बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की ना, तो इसमें जो दोनों कैरेक्टर्स हैं बैलेस्टर और निमोना का ना, वो दोनों कैरेक्टर तुमको पसंद आएंगे। और जो निमोना का कैरेक्टर है ना काफी ज्यादा अतरंगी और फनी है, और भी जितने कैरेक्टर्स है ना वो ठीक ठाक से लगते हैं और जो कुछ कुछ कैरेक्टर है वो थोड़े फनी से लग जाते हैं। बात करें इसके हिंदी डबिंग की ना, तो इसकी हिंदी डबिंग भी काफी क्रेजी है जो तुमको कहीं कहीं हंसाने का काम कर देती है। इस मूवी में तुमको नया कुछ नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ ना ये एक अच्छा टाइम पास कर सकती है तुम्हारा अगर तुम इसको दिमाग के बिना देख लोगे तो। सबसे जो है तुम ये मूवी फैमिली के साथ आराम से देख सकते हो, एकदम बच्चों वाली मूवी है, इसको तो बिना किसी टेंशन के पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। तो और ये काफी अच्छी फैंटेसी ड्रामा मूवी है जिसमें तुमको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, तो ये तुम्हारे लिए एक ओवरऑल पैक है फैमिली का, तो इसको जरूर देख लेना और जरूर मुझे बता देना कि तुमको मेरा रिव्यू कैसा लगा। अगर अच्छा लग गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बहुत अच्छे लग जाए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।